नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार एड़ी चोटी का जोर लगाकर कर रही है। भाजपा की योजनाओं व गृह राज्य मंत्री टेनी सहित कई मुद्दों पर राजेश चौधरी ने बात की भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगदीश सोनकर से। नमस्कार, मैं हूँ राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूँ और मेरे साथ हैं भाजपा की जानी मानी हस्ती जगदीश सोनकर। जगदीश जी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक रत्न की उपाधि इनको मिली हुई है। उन लोगों को मिलती है जो समाज की जो कुरूतियां हैं, समाज की समस्याएं हैं, उनको उठाते हैं। बात करते हैं जगदीश सोनकर से। जगदीश जी, आपका स्वागत हमारे पी न्यूज भारत पर। आप ये बताएं, जो सामाजिक रत्न मिला है समस्याएं उठाने का समाज की, इसके बारे में कुछ बताइए आप। करीब 35 सालों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में देश के पीड़ित दुखी लोगों की समस्याएं मैंने मानवाधिकार आयोग में 50,000 से ज़्यादा दर्ज कराए हैं जी। भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ, लिम्का में मैंने आवेदन पत्र कर दिया है और उसी के बाद हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे सबसे ज़्यादा समस्या उठाने का दर्ज हो जाएगा उसको। अच्छा, हाँ, इस समय चुनाव आ रहा है विधानसभा चुनाव यूपी का, उसमें भाजपा जो है बड़े जोर तोर से प्रचार प्रसार कर रही, आप भाजपा को कैसे देखते हैं, भाजपा के काम को कैसे देखते हैं यूपी में? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा तो रामजन्म बाबरी मस्जिद का विवाद हल किया है जिसमें हजारों लोगों का बलिदान चढ़ गया है, शहीद हो गए हैं देश में जी। वो समस्या का निपटा दिया, खत्म कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया का बहुत बड़ा हब बन चुका है भगवान श्री राम का जन्मभूमि। पहले भगवान श्री राम तंबू में रहते थे, आज एक विशाल प्रधानमंत्री की देन है और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मोदी जी का ये अथाह प्रयत्न किया है जिसके बदौलत दुनिया के नक्शे में आज हम भी जाने पहचाने जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश और देश में। अच्छा, मंदिर के अलावा कौन सी उपलब्धि है? मंदिर तो मंदिर के अलावा जो है काशी विश्वनाथ में हम लोग दर्शन करने जाते थे तो घरों के बीच में था मंदिर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है जिन्होंने गंगा से सीधे जो है उसका जो है जीर्णोद्धार कर दिया, उसका जो है कॉरिडोर बना दिया, कायाकल्प कर दिया है और बहुत सुंदर बहुत भव्य भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया है जिसमें हम लोग आत्मी प्रसन्न है, पूरी देश की जनता प्रसन्न है, उत्तर प्रदेश की जनता प्रसन्न है। काशी को लेकर के सपा जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि किसी का अंतिम समय आता है तो काशी जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भगवान शंकर की गुप्त नगरी है काशी, काशी कैलाश साथी शंकर, शंकर जी का वो निवास स्थान है जी। और जहाँ भगवान का निवास होता है वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए 24 घंटा हर आदमी चाहता है कि भगवान से आशीर्वाद मिले, हमको भगवान के शरण में रहूं ताकि उनके हमारे पे कृपा हमेशा बनी रहे। गुप्त नगरी और भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पर काशी बसी हुई है, इसलिए जो भगवान शिव का घर है वो, और भगवान जहाँ हिमालय में रहते हैं वो अपने ससुराल में रहते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अंतिम समय गए हैं, अब सत्ता चली जाएगी। सत्ता हम अब सत्ता है और सत्ता रहेगी, खत्म नहीं होगी, कहने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। आपका मानना है अखिलेश यादव जो है वो गलत बयान, वो गलत धारणा है उनकी, गलत धारणा, उनको नहीं कहना चाहिए ऐसी बात को। अच्छा, और चीजें हैं जैसे भाजपा की, आप उनमें किनको प्रमुखता देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी का है, माननीय अमित शाह जी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी का है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक परिवार है, सबने मिलकर इस संगठन को तैयार किया है, सबने मेहनत की है, सभी लोगों का योगदान है तब पार्टी खड़ी हुई है। सुना जा रहा है कि आप भी चुनाव मैदान में उतरने के पूरे मूड में हैं, कहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर आपको पार्टी चुनाव लड़ाए तो आप कहां से पसंद करेंगे? उत्तर प्रदेश की देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा उन्नाव है जी। जहां पर मोहान विधानसभा क्षेत्र है, जहां लक्ष्मण
और माता सीता का मोह भंग हुआ था उसके नाम से मोहन जाना जाता है। उस विधानसभा क्षेत्र से मैं 2 मरतबा असेंबली का चुनाव लड़ चुका हूँ जी। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अगली मरतबा मैंने उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय बंसल जी से मैंने कहा था, जनता मांग कर रही है, जनता की डिमांड है, सर्वे करा लिए पूरे क्षेत्र में, मेरा अनुकूली काम है, विकास के इतने ज्यादा मैंने क्षेत्र में काम किए है जनपद उन्नाव में, उसी तरह जनता आज हमको मांग कर रही है कि आप आइए चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा समय आने पर, वक्त आने पर आपको टिकट दिया जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी से, संगठन मंत्री से, जो है मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं यह कहना चाहता हूँ, जनपद उन्नाव में जगदीश सोनकर के बारे में अगर सर्वे करा लिया जाए तो 1200 अधिवक्ताओं का मेरा समर्थन है, उनका सम्मान है मेरे दिल दिल में, और जनपद में 40% प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ हैं, और सभी जात का वोट जगदीश सोनकर को, हर तरह के सपोर्ट मिल रहा, हर तरह का वोट मिलेगा। अगर पार्टी ने हमको मोहन विधानसभा चुनाव लड़ाया तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाया तो मैं सफीपुर से लड़ा दे तो वहां भी जाऊंगा। जनपद मैंने काम किया, विकास किया, आपके काम बोलेंगे, काम बोलेगा। अच्छा जगदीश जी, एक चीज और, आपकी योजनाएं, चूंकि बात हो रही थी योजनाओं के बारे में, भाजपा की वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? बहुत सारी योजनाएं सरकार ने तो 102 करीब 200 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट योजनाएं चालू किया है। अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री ने कराया है उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में, ये भी एक अनुकरणीय काम है। उज्ज्वला योजना चलाया है किस, और अभी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा जो है, सबको गरीबों को राशन दिया जा रहा है, मुफ्त दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलालगंज से लेकर पूर्वा से होते हुए दही चौकी तक नेशनल हाईवे बनाया, ये भी मैंने गवर्नमेंट के प्रस्ताव दिया था। बांगर मऊ से लेकर उन्नाव तक चौड़ीकरण उच्चीकरण, ये भी मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया था। मोहन बुद्धेश्वर से लेकर मोहन तक, गंज मुरादाबाद तक जो चौड़ीकरण उच्चीकरण, ये भी मैंने गवर्नमेंट का प्रस्ताव दिया था, उसकी वजह से सड़क का निर्माण हुआ है। संडीला से लेकर चकलबंसी तक उन्नाव में जो चौड़ीकरण सड़क का उच्चीकरण हुआ है, वो भी मैंने सरकार को, मेरा ही प्रस्ताव दिया उस पर हुआ है। अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने 25 करोड़ रुपए जो है औराज से लेकर मोहन तक चौड़ीकरण उच्च सड़क का धनराशि उन्होंने निर्गत किया है जी। वो मेरा ही प्रस्ताव था, मैंने गवर्नमेंट को दिया था और उस पर स्वीकृत करके वो चौड़ीकरण उच्चीकरण काम मेरे क्षेत्र में चल रहा है। तो उन्नाव जनपद में जितने भी बड़े बड़े नेशनल मेरे गवर्नमेंट को दिया प्रस्ताव है, उस पर सरकार ने सड़क स्वीकृत की, धन दिया, और उससे हमारा क्षेत्र जनपद में जो है विकास के मार्ग पर सबसे आगे जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस गवर्नमेंट बनाया, एक उपलब्धि है। गंगा एक्सप्रेस बनाया, वो भी सरकार की उपलब्धि है। तो यही उपलब्धि के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत पर बनाने जा रही है, लेकर के जगदीश सोनकर मैदान में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, विकास का मैंने काम किया पूरे क्षेत्र में। अच्छा मान लीजिए कि मोहन से आपको नहीं लड़ाया जाता है, आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो मोहन में आप चूंकि ज्यादा सक्रिय हैं, वहां आपकी भूमिका क्या होगी? जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, चाहे बाबू मसराम गुनत कई मरतबा के MLA हैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बाबू मसराम जी 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी उपलब्धि क्षेत्र में ज्यादा है, उनका मान सम्मान भी ज्यादा है, और उनके विरोध में हम चुनाव 2 मरतबा लड़ चुके हैं, तो उनको पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूँ। अब बाबू मसराम जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चला है जी। तो ऐसी स्थिति मैं चाहूंगा कि अगर बाबूजी चुनाव लड़े, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे भतीजे संजय टिकट मिल जाए जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बाबू मसराम जी के भतीजे श्री संजय जी को टिकट देती है तो मैं उनके समर्थन में जिताने का भरसक प्रयास करूंगा। पार्टी जीते, बाबू मसराम जीते, उनके भतीजे जीते, तो ये पार्टी की मजबूती, सरकार की मजबूती होगी, मजबूती होगी। और हम अगर हमको वो बगल में लड़ा देते हैं सफीपुर विधानसभा से, तो पूर्ण बहुमत से हम हसन मोहन भी जीतेंगे, हम सफीपुर भी जीत के आएंगे, और मेरी जन्म स्थली पूर्वा है जहां मैं पैदा हुआ हूं। जी जी। हम पूर्ण बहुमत से वहां से 3 सीटें भोलेनाथ के ईश्वर की पूरी आस्था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 3 सीटें
जगदीश सोनकर भारतीय जनता पार्टी और जगदीश सोनकर नाम से निकल के आएंगे। तो मैं एक बहुत नाम चर्चित है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है टीनी, क्या लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मंत्री है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह राज्य मंत्री माननीय अजय कुमार मिश्र उप टेनी जी। कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत उनको जबरदस्ती फंसाना चाहती है। आप मानते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है? इसके साथ अन्य भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, ऐसी गंदी हरकत ऐसी जगह पे उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। अब वो कांग्रेस है, वो सोची समझी रणनीति सभी पार्टियों को विपक्षी इकट्ठा करके सरकार की छवि धूमिल करती है। और रही बात इस्तीफा बर्खास्ती मांग करी, वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको। अपर प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, भारत के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, माननीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा न लिया जाए। सो गलत है, आप मानते हैं गलत है? बिल्कुल गलत है। दीदी जी, अभी हाल ही में कल जो यूपी सरकार है उसने ग्राम पंचायतों के लिए मानदेय बढ़ाया है, कुछ अधिकार भी दिए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? माननीय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और कई मरतबे के वो सांसद रह चुके हैं गोरखपुर में, और किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अब आज तक देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकारें नहीं किया है, प्रधान BDC जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाया दिया जाए, उन्होंने महसूस की आवश्यकता है उनको, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और सरकार और जनता किसानों के लिए उपलब्धि काम है, उन्होंने बढ़ाया, उसको माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले, आवासीय सुविधा उपलब्ध, संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।